दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस के बीच फंसी हुई है। इसी बीच इटली ने दावा किया है कि उसने इसकी वैक्सीन की खोज कर ली है। अगर ये दावा सही निकला तो मानव समुदाय के लिए बहुत बड़ी राहत है, जो सामान्य जिंदगी छोड़ घरों में बंद रहने को मजबूर हो गया है। इटली की सरकार ने दावा किया है कि उसने एंटीबॉडीज को ढूंढ निकाला है, जिसने मानव कोशिका में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रोम के संक्रामक रोग स्पैलनजानी अस्पताल में किए गए परीक्षणों के अनुसार वैक्सीन के जरिए चूहों में एंटीबॉडी बनाई गई है, जिसका असर मानव कोशिकाओं पर भी होता है। रोम के लजारो स्पैलनजानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं ने कहा कि जब इसका इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो देखा गया कि इसने कोशिका में मौजूद वायरस को खत्म कर दिया। वहीं यूरोप का पहला अस्पताल है जिसने कोविड-19 के जीनोम सिक्वेंस को आइसोलेट किया था। उल्लेखनीय है कि इटली ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब WHO ने कोविड-19 महामारी से जुड़े विशेषज्ञ ने दावा किया था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन ही ना मिले, जैसे कि HIV और डेंगू की वैक्सीन नहीं मिल पाई है। HIV से पिछले 4 दशक में 3.4 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का तोड़ ढूंढने के लिए 100 से ज़्यादा वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल पर हैं और उनमें से कुछ का इंसानों पर प्रयोग शुरू किया गया है। चीन से लेकर अमेरिका तक वैक्सीन बनाने की होड़ लगी हुई है। वहीं से भी इटली से आई वैक्सीन बन जाने की खबर एक उम्मीद की किरण है और उम्मीद है कि मानव कोशिकाओं में ऐसा करने पर भी ये व्यक्ति सफल रहेगा। और मानना है कि वैक्सीन के फेफड़ों की कोशिकाओं में एंटीबॉडी तैयार करने में मदद करेगा। कोरोना वायरस वैक्सीन में जानवरों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाई दी। उनका कहना है कि वैक्सीन एंटीबॉडी संक्रमण को रोकने में सक्षम है और कोशिकाएं वायरस को खत्म कर देती हैं जो पहले जीव में प्रवेश कर चुकी है। अब इटली के वायरस के वैक्सीन बना लेने की खबर कितनी सच है, ये तो तभी सामने आएगा जब किसी मानव पर इस वैक्सीन का सही परीक्षण किया जाएगा और इसका रिजल्ट सामने आएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।